खौफ है अपराधी। सतना जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है, यह हम नहीं कह रहे बल्कि सप्ताह भर में हुई आपराधिक घटनाओं ने साबित कर दिया है। ज्यादातर अपराध महिलाओं को लेकर हो रहे हैं। सप्ताह भर में हुई घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो टुकुरिया टोला में चाकू मारकर हत्या, बरौंदा में लूटपाट, सिविल लाइन में युवती से मारपीट। चिंतनीय पहलू यह है कि घटनाओं पर लगाम कैसे लगे। स्नेचरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सतना और पन्ना जिले में चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार बदमाशों को महज 12 घंटे में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और शामली पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। बाबरिया गैंग के सदस्य हैं बाइक सवार स्नेचर। माह की अमावस्या को लेकर चित्रकूट में भारी भीड़। सुबह से ही मंदाकिनी में स्नान कर भगवान मद गजेंद्रनाथ शिव के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। सतना चित्रकूट मार्ग बगदरा घाटी में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, 5 लोग घायल, बड़ा हादसा टला। सतना में बढ़ते अपराध के मद्देनजर कोलगवा थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह का टुकुरिया टोला क्षेत्र में जारी है सघन चेकिंग अभियान। अपराध नियंत्रण अभियान के तहत टीआई कोलगवा के नेतृत्व में आधे दर्जन से अधिक टीम दे रही है हर जगह दबिश। सिविल लाइन चौपाटी के सामने स्वास्थ्य कार्यकर्ता बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल। उनका कहना है कि जब तक उनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वह अपना हड़ताल जारी रखेंगे। उनका कहना है कि शासन प्रशासन वादा करके भूल जाती है, इसलिए अब हम इस बार मांग अपनी पूरी करके ही हड़ताल खत्म करेंगे। की कुसुम देवी जनहित समिति मध्य प्रदेश के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरा ग्राम में शिक्षकों का किया गया सम्मान। इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं तथा अभिभावक और समिति के पदाधिकारी रहे उपस्थित। कवैया में बोलेरो ने मारी स्कूटी सवारों को टक्कर, वाहन चालक टक्कर के बाद मौके से हुआ फरार। स्कूटी में 2 लोग थे सवार, दोनों को आई चोटें, एक की हालत गंभीर। इस महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे ने रैगांव विधानसभा में होने वाले चुनाव की चर्चा की और कहा रैगांव विधानसभा में आने वाले ग्रामीण गांव के बिजली और पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इन मुद्दों पर कांग्रेस करेगी काम। महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में शनिवार को इंदरगंज चौराहे पर किया धरना प्रदर्शन। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस और अनावश्यक सामग्री के मूल्यों में बढ़ोतरी के विरोध में सरकार के खिलाफ लगाए नारे। 340 माँ ने अपने पाप का कलंक छुपाने के लिए जिगर के टुकड़े को कचरे वाली नाली में फेंका। मोहल्ले में फैली सनसनी फोन द्वारा सूचना पाकर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। नमस्कार, मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।